नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में पल पल कुछ ना कुछ घट रहा है, समीकरण बदल रहे हैं। 16 मार्च आज है और आज फ्लोर टेस्ट होना था लेकिन नहीं हुआ। तो ये सब क्या हो रहा है सदन में, इसके लिए हम बात करेंगे हमारी एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय से। अनुराग जी, आज जो कुछ भी सदन में हुआ, क्या ये सब जो हो रहा है उसे क्या माने? देखिए, जो कुछ सदन में हुए ये प्रत्याशित था। कमलनाथ सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, इसलिए किसी भी तरह उनको राज्यपाल का अभिभाषण करना था, सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी, और कोरोना तो एक बहाना था। कुल मिला के कमलनाथ सरकार आज बहुमत परीक्षण से बचना चाहती थी। उनके यहाँ के जो जानकार हैं, ज्योतिषी हैं, उनका भी यही कहना था कि आज कम से कम बहुमत परीक्षण नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से आप कह रही हैं कि पल पल बदलता रहा, एक 2020 क्रिकेट मैच जैसा आनंद देता है, ऐसा ही मध्य प्रदेश की राजनीति आनंद दे रही है। आप सभी देखें कि आप खुद विधानसभा में थी, विधानसभा का आज मंजर ही दूसरा था। गेट पे सबसे पहले लिखा हुआ था कि जो भी अंदर जाएं वो पहले हाथ साफ करें, कोरोना का खतरा ऐसा बताया गया विधानसभा में। एकदम से वहीं सैनिटाइजर बाहर रखा हुआ था, सभी दीर्घाओं में सैनिटाइजर रखा था, मास्क लगाकर आने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि बीजेपी के लोग मास्क लगाकर नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस के लोग, एक चीज और की सदन में कि एक तरफ के लोग मास्क लगाए हुए थे, एक तरफ के लोग मास्क ये नहीं लगाए ये थे। ऐसे ही जैसे ही सदन में सबकी एंट्री हुई, बीजेपी के लोग तो बड़ी शांति से बैठे हुए थे, लेकिन कांग्रेस के लोग एक साथ समूह में अंदर घुसे और सभी ने मास्क लगा रखा था। ऐसा लग रहा था पूरा मतलब कोरोना का इफेक्ट यहीं पर आके पड़ा है। एक अस्पताल का लुक एक सदन की दीर्घा से नजर आ रहा था जब सत्ता पक्ष को देखते थे। लेकिन आज बड़ा विचित्र था कि आप देखें, अचानक एक साथ, जैसा आपने बताया, कांग्रेस के MLA हैं वो पहुंचते हैं इधर से। आपने एक गौर किया हो शिवराज सिंह की बॉडी लैंग्वेज को, वो सदन में आते हैं, सबको जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन किया और नमस्कार करके वो सदन में घूमते रहे, मैंने एक उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि वो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। वो कॉन्फिडेंट थे और उनको ये कॉन्फिडेंस था कि आज अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो भविष्य के मुख्यमंत्री, वो बिल्कुल आज मुख्यमंत्री बन के ही जाएंगे। शिवराज सिंह जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ साफ जाहिर कर रही थी, और होना भी चाहिए। जब आपके पास बहुमत का आंकड़ा हो, जब आप नंबर गेम में आगे हो, तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप ऐसी हो जाती है, मुझे लगता है। मैंने 3-4 बार देखा है शिवराज सिंह जी को, जब जब मुसीबत में आए, उसके बाद मुसीबत से निकले वो मुख्यमंत्री के रूप में, तो इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी सदन में होती थी और बिल्कुल शान से एक जेंटलमैन हो जाते एक हैं। चीज़ आज सदन में ज़रूर देखने को मिली, कांग्रेसी उकसा रहे थे बीजेपी के लोग कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा कर दें कि कुछ लोगों को बाहर निकाला जाए और फिर फ्लोर टेस्ट हो सकता है कि करवा दिया ये जाता। पूरा जो सदन के अंदर चल रहा था, इसको कहते हैं दिग्विजयी राजनीति। कांग्रेस के दिग्गज हैं, 10 साल राज किया है पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग अपने विधायकों को दी थी, वो लोग उस तरह का बिहेव वहाँ कर रहे थे। वो चाहते थे कि उकसाया जाए और उसके बाद बीजेपी के लोग हंगामा कर दें, और स्पीकर ऐसे में अपने जो सामर्थ्य है उसका प्रयोग करें और बीजेपी के कुछ लोगों को सस्पेंड करके बाहर कर दें, और बीजेपी के 5-7-10 लोग सस्पेंड होकर बाहर चले जाते तो उसके बाद आज ही बहुमत परीक्षण हो जाता और कमलनाथ बहुमत साबित कर देते मुख्यमंत्री रहते। ये सब उनकी टैक्टिस थी। लेकिन राज्यपाल आए, आपने देखा कि किस तरह राज्यपाल से 2 लाइनें शुरुआत की और 2 अंत की 2 लाइनें पढ़वा दी गई, उसमें भी पढ़वाया क्या गया, पत्रकारों वाला मसला, पत्रकारों का मसला, तो और पत्रकारों की भीड़ भी आज देखने लायक थी। और जबकि मुझे लगता है कि कमलनाथ का अगर किसी ने बैंड बजाया है तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने बजाया, सोशल मीडिया ने, क्योंकि तमाम सारे चैनलों के अपनी क्या कहना चाहिए कि लेन देन होते हैं सरकारों के साथ विज्ञापन के कारण, इस कारण वो कुछ अपना लहजा बड़ा नरम रखते हैं। अखबार भी जब स्थितियां बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाती हैं तब लिखने के लिए बाध्य होता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को, जब दिग्विजय सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, तो पुराना हॉर्स ट्रेडिंग, नया हॉर्स ट्रेडिंग, किस तरीके से खरोद फरोख्त, एक एक चीज को सबके सामने लाई शेफाली, और सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल कमलनाथ सरकार को जो कहना चाहिए ना कि इस तरह से स्टंप आउट करने की कोशिश की कि गिल्लियां दूर जाके गिरें और स्टंप हाथ में ही ना आए, पता ना चले कि मैदान के बाहर स्टंप चले गए। पूरे देश की नजरें इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति पर हैं। आपको बता दें कि अनुराग जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, राज्यपाल ने पहले एक पत्र लिखा था कि आप मेरे अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट कराएं और कैसे सदन चलेगा, उसके निर्देश भी दिए थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है राज्यपाल की भूमिका, ऐसे में कहना चाहिए, रेफरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है राज्यपाल का। जब स्थितियाँ राज्य में बिगड़ती हैं तो राज्यपाल उस पर नज़र रखते हैं, और चूंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में सामंजस्य हो तो यकीनन प्रदेश बड़ी तरक्की के रास्ते पर चलता है।
और राज्यपाल कई बार सलाह देने का काम भी करता है जो उनके पास निहित शक्तियाँ हैं उसमें। तो राज्यपाल ने एक पत्र लिखा, राज्यपाल के पास लगातार मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, मीडिया में भी अखबार हो, वेब मीडिया और टेलीविज़न सबसे जा रही थी कि बहुमत का आंकड़ा फिसल गया है कमलनाथ साहब के हाथ से। जब इस तरह की बातें लगातार आ रही थी तो जाहिर है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे, उन्होंने संवाद करने की कोशिश की, एक पत्र लिखा और राज्यपाल ने लिखा कि आपका जो बहुमत का आंकड़ा है वो गड़बड़ा गया है, आप मेरा अभिभाषण कराएं, सदन की कार्रवाई अच्छे से चले और मध्य प्रदेश की मान्य परंपराओं का जो है उसको डेंट भी ना लगे, और उसके बाद आप मेरे भाषण के बाद आप फ्लोर टेस्ट करा लें, ये उन्होंने पत्र में लिखा था। लेकिन जो उन्होंने निर्देश दिए थे जिस तरीके से सदन चले उस पर कांग्रेस को बड़ी आपत्ति थी। अब कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देखे चलते ऐसी, तो ये भी यहाँ मसला वही है, राज्यपाल ने किसी को निर्देश नहीं दिया है, राज्यपाल ने एक पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री को लिखा है। निर्देश देना होता तो स्पीकर के लिए होता, लेकिन चूंकि राज्यपाल निर्देश देने की स्थिति में होते नहीं है तो उन्होंने पत्र में लिखा कि आप ये करें कि मेरा अभिभाषण कराएं, उसके बाद में आप फ्लोर टेस्ट करा लें, चूंकि आपके पास बहुमत को लेकर विपक्ष और मीडिया कई तरह की खबरें आ रही हैं, उन्होंने लिखा है पत्र में। और एक तरीका उन्होंने बताया कि जो नई टेक्निक है उसमें अपनी सीट पर बैठे बैठे आप बटन दबाते हैं, आपने देखा हो कई सारे गेम शोज में भी जब वोटिंग कराई जाती है KBCC लेके तो वहीं से वोटिंग की जाती है, लेकिन इत्तफाक मध्य प्रदेश के पास वो सुविधा नहीं है, बाकी तमाम सारे सदनों में सुविधा हो गई, वो सुविधा नहीं है, तो फिर होता है कि या तो हम हाथ उठाएं या फिर हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, जो एक पारंपरिक तरीका है उससे। तो उसमें जब बात आई कि साहब एक सजेशन दिया था कि आप बटन दबा के कराएं, और उन्होंने ये भी लिख दिया था कि आप इस फ्लोर टेस्ट को जल्दी करा लें, विलंबित ना हो, सदन निलंबित ना हो, मेरे अभिभाषण के बाद करा लें। वो संतुष्ट होना चाहते थे कि कमलनाथ जी के पास, जो कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं इस समय तक कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, तो कमलनाथ जी सदन में जाते और बहुमत का आंकड़ा उनके पास है तो बहुमत साबित कर देते, वो मुख्यमंत्री बने रहते। अभी ये जो दौड़ धूप चल रही है मध्य प्रदेश में, जो सियासी उफान है और हर पल अनिश्चितता है, जैसे शेफाली कह रहे थे कि पल पल राजनीति बदल रही है, इतना तो मौसम भी नहीं बदलता इतनी तेजी से जितनी तेजी से राजनीति बदल रही है, तो ये स्थितियां नहीं बनती। और कोरोना का डर तो ऐसा लग रहा है पूरे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में आकर टिक गया, मध्य प्रदेश विधानसभा में आकर टिक गया, लेकिन अच्छी बात है कोरोना को लेकर अगर सजग हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना आपको बहुमत साबित करने से आपने कोरोना को बहाना बनाया ये ठीक नहीं है। लंगड़ी कमलनाथ की सरकार है, बहुत सारी बैसाखी पहले दिन, इस बार नई बैसाखी कोरोना ढूंढी है उन्होंने, पहले दिन से कमलनाथ जी की जो सरकार है वो बैसाखियों पे है और एक लंगड़ी सरकार वो चला रहे हैं, बड़ा काम कर रहे थे, लंगड़ी सरकार चला रहे थे क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो प्रदेश के ऊपर बहुत बोझ पड़ते हैं, तो लंगड़ी सरकार जैसे तैसे वो चला रहे थे, लेकिन सरकार चलाने में उन्होंने एक ही गलती की शेफाली जो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने अपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। उनके पास जो उनकी एक हर आदमी की किचन कैबिनेट होती है, उनकी किचन कैबिनेट में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उसमें कुछ रिटायर्ड अफसर हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकली लाइजनिंग करने वाले लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं, वो नहीं समझते। वो विधायक क्या होता है, आपसे बड़ा दिल से जुड़ा होता है कि आप मेरे मुख्यमंत्री हो, मेरा ये काम करोगे, उसको अपने इलाके के अपने क्षेत्र के विकास की चिंता होती है। फिर कांग्रेस में समस्या क्या है कि कई सारे गुट हैं, अब आप यहाँ गुट देखें तो आप कमलनाथ जी का अपना गुट काम करता है, दिग्विजय सिंह जी का अपना गुट काम करता है, ज्योतिराज सिंधिया जो अब कांग्रेस में नहीं है उनका अपना गुट है, अजय सिंह अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं उनका अपना विंध्य में गुट काम करता है, तो कांग्रेस में इतने क्षत्रप हैं कि उनके छोटे छोटे गुटों ने जो नाराजगी आई उसको पूरा कैश कराने की कोशिश की ज्योतिराज सिंधिया ने। ज्योतिराज सिंधिया अपने विधायकों को, अपने समर्थक जो ग्वालियर चंबल के लोग हैं और कुछ उसमें एक आध दुमालवा के हैं, उनको लेके अलग निकल दिए 22 लोगों को लेके, जिसका परिणाम है कि वो कमलनाथ के जो बैसाखी थी, ये कहना चाहिए कि ज्योतिराज सिंधिया कमलनाथ की बैसाखी छीन के भाग गए। अनुराग जी, इसमें एक चीज़ और है, जब सदन शुरू हुआ और हमने देखा कि बीजेपी की तो कुर्सियां सारी भरी हुई हैं और कांग्रेस की खाली है, तो कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रहा था कि फ्लोर टेस्ट हुआ तो आज कमलनाथ के हाथ से सरकार खिसक जाएगी, जैसे सिंधिया एकदम से हाथ से मुट्ठी से रेत की तरह खिसके वैसे ही कमलनाथ की सरकार भी निकल। आपको क्या लगता है, कमलनाथ के पास बहुमत है? देखिए, एक पत्रकार के नाते मैं बहुत जवाबदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि कमलनाथ सरकार के पास आज की तारीख में तो बहुमत नहीं था, अगर आज फ्लोर टेस्ट हो जाता तो कमलनाथ इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं होते। पिछले हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते पहले कमलनाथ सरकार, जब से ये विवाद सामने आया है, कमलनाथ सरकार बहुमत खो चुकी है, उनके पास बहुमत नहीं है, मीडिया भी ये मान रहा है, जिन्होंने आज की स्थितियां देखी वो भी मान रहे हैं और कांग्रेस भी ये मान रही है। लेकिन हर युद्ध का एक नियम होता है कि अपनी सेना को शक्ति देने के लिए हारते वक्त तक, मालूम है कि हाथ कट गए पैर कट गए, उसके बावजूद जो योद्धा होता है, सेनापति होता है, वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो हार मानेगा तो पूरी टीम टूट जाएगी। कमलनाथ एक अच्छे योद्धा है और इस समय उनके जिम्मे
जो एक्ट आया है उसको बखूबी निभा रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, शानदार एक्टिंग कर रहे हैं, अपनी टीम का हौसला बनाए हुए हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते बहुत साफ मेरी राय है कि कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में बहुमत खो चुकी है। अब वो आज कल में कुछ कर लें तो बात अलग है। फिलहाल 16 तारीख तो निकाल ली कमलनाथ ने, जो उनको निर्देश राज्यपाल ने दिए थे कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं। इस बीच बीजेपी नेता शिवराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाँ, ये एक, अब आप देखिए आज की जो दिन भर के घटनाक्रम है शेफाली, आप विधानसभा में थी, आप राजभवन में थी, आप कांग्रेस दफ्तर में थी, एक के बाद अभी मालूम पड़ा कि सदन के अंदर बैठे बीजेपी नेता अचानक रणनीति बनती है, बाहर जाते हैं और सीधे राजभवन पहुंच जाते हैं। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन के सामने वो जाके अपना दुखड़ा रोते हैं, परेड होती है जिसको हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं विधायकों की परेड, तो वहाँ परेड होती है। 106 का नंबर लेके जाते हैं, 107 एमएलए हैं, इनमें से एक एमएलए जो बहुत डावाडोलो पलटू किस्म के हैं नारायण त्रिपाठी, उनकी माताजी का देहांत हुआ, वो शायद नहीं थे, तो 106 का आंकड़ा लेके जाते हैं। 106 सशरीर, शिवराज सिंह जी के शब्दों में कहूँ तो सशरीर वहाँ होते हैं। राज्यपाल साहब लालजी टंडन के सामने अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ बहुमत है, कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है, अब तो आप कीजिए, कुछ कीजिए। और उसके बाद राज्यपाल भरोसा दिलाते हैं सारे विधायकों को कि आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं और जो कुछ सत्य है, मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं और आपकी मदद करूंगा। अब सरकार, खबर ये भी आ रही है कि राज्यपाल ने एक नया पत्र लिखा है फिर से कमलनाथ जी को कि आप बहुमत साबित करें। ये शिफाली बड़ा गंभीर मसला है। आप देखिए कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो बात की थी, हम अक्सर अपने चर्चा में बातचीत करते हैं कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, सीएम हाउस और राजभवन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इनके बीच में अच्छे संबंध हो तो प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट के काम होते हैं, अच्छा अच्छा होता है, शुभ शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ ये जो पत्र युद्ध शुरू हुआ है, इसमें राज्यपाल ने कल जो पत्र लिखा था, परसों जो पत्र लिखा था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कल रात में जिस तरह उसका जवाब दिया, राज्यपाल को उनकी मर्यादाएं याद दिलाएं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कीजिए, उन्होंने सजेशन दिया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में कई मामले आए, उसमें ये हुआ फला हुआ, वो बात नहीं। यहाँ उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप इस तरह से काम कीजिए, और जब वो नहीं माना गया तो उनका आहत होना लाजमी है। उन्होंने उसके बाद जो आज चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी मुझे कहना है चाहिए कि जो पत्र बम चल रहे हैं उसमें ये बड़ा बम था, सीएम और राज्यपाल में टकराव साफ नजर आ रहा है, बहुत टकराव। आप बिल्कुल ठीक करेंगे, अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव की स्थिति है, लेकिन कागजों के जरिए अब ये बम चल रहे हैं, पत्र बम मैं इसको कह सकता हूँ। आज के पत्र में शेफाली उन्होंने बहुत साफ कहा है, जो हुआ सो हुआ, अब आप कल तक का समय दिया है, 17 तारीख को आपके पास बहुमत नहीं, क्योंकि आज 106 विधायक उनसे मिलकर आए, उस पूरे घटनाक्रम को राज्यपाल झुटला नहीं सकते, तो उन्होंने उसको आधार बना के पत्र भेजा है कि आपके पास बहुमत नहीं है ऐसा लग रहा है, और आपको लगता है बहुमत है, तो कल 17 मार्च 2020 तक आप अपना बहुमत माननीय कमलनाथ जी आप साबित कीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी सरकार अल्पमत में है और आपके पास बहुमत नहीं है, फिर वो अपनी कार्रवाई। इस बीच एक गेम सीएम ने भी खेला कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की इसमें जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ चीज़ों को टालना, जो हम कहते हैं ना कि समय कैसे काटे हम, तो समय काटने का है कि आप तो अविश्वास प्रस्ताव ले आते, अरे सत्र चल रहा होता, लाना होता ले आते, अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं क्योंकि आप अल्पमत में हो। आज भी कायदे से तो इतना सब होने के बाद नैतिकता के नाते या तो कमलनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए था, या कमलनाथ जी राज्यपाल के पास जाके कहते कि भाई मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बहुमत नहीं है, मैं सबसे पहले बहुमत साबित करूंगा फिर आपका अभिभाषण कराऊंगा, चाहते तो ये भी, क्योंकि संसदीय जो परंपरा है वो आप जैसी बनाए वैसी बन जाती है और मान्य परंपराओं पर सदन चलता है। अभी तक ये होता था कि पहले अभिभाषण होता है, तो भाई आप पे बहुमत नहीं है तो आप अभिभाषण करा के फिर बहुमत साबित कर देते, उसमें दिक्कत क्या थी, अविश्वास प्रस्ताव की तो आवश्यकता ही नहीं है इसमें कहीं। नहीं, अब आपने जैसा बम बोला तो वो बम का ब्लास्ट जो होगा वो अब लगता है कि सरकार भंग कर सकते हैं गवर्नर। अभी जो पत्र बम की बात हुई, जिस तरह अब कल बड़ा रोचक दिन है, फिर वही अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, इस वक्त तक कमलनाथ जी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है कि कल सदन की कार्रवाई चलेगी। उन्होंने अपने कुछ लोगों को, उनके यहाँ वकील हैं, राज्यसभा सदस्य हैं विवेक तनखा, एक उनके और बहुत विश्वास पात्र हैं दिग्विजय सिंह जी के, जीतू पटवारी मंत्री, इन सबको दिल्ली और रवाना किया है। राज्यपाल ने जो पत्र उनको पहला लिखा था और जो पत्र लिखा है इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं चीज़ों को डिले करने के लिए, और जो विधायक बेंगलोर में है खास करके कांग्रेस के, उन विधायकों से संपर्क हो जाए, वो इनके साथ आ जाए, उनकी सरकार बनी रहे, उसका प्रयास है सारा का सारा। तो ये जैसे शिवराज जी गए अदालत में, ऐसे ये भी अदालत में जा रहे हैं, ये चीज़ों को समय को डिले करना चाहते हैं, ये सिर्फ उसका प्रयास है।
लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ बचा है। राज्यपाल केंद्र को भी रिपोर्ट भेज सकते हैं इस पूरे मसले पर। मुझे लगता है राज्यपाल जी ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी होगी, और पल पल चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति से जुड़े होते हैं, केंद्र सरकार से जुड़े होते हैं, तो अपनी हर जानकारी वहाँ साझा करते हैं, ये उनका ऑफिशियल वर्क भी होता है। तो राज्यपाल हर चीज़ को इंटेलिजेंस से तमाम लोग हैं, केंद्र के कई सारी तरीके हैं जहाँ खबरें पहुँचती हैं, लेकिन राज्यपाल का जो एक विधिवत फॉर्मेट होता है उसमें उन्होंने पूरी जानकारी भेजी होगी। आज इस तरह से उनके पास 106 एमएलए पहुँचे हैं बीजेपी के, उसके बाद फिर ये पत्र जो जिसकी आपने चर्चा की, इस पत्र में साफ साफ उन्होंने कहा है कि कल तक आप बहुमत साबित कर दें, अन्यथा मान लिया जाएगा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है। अब क्या लगता है कि फ्लो टेस्ट या फिर मध्यवर्ती चुनाव? देखिए, अगर कमलनाथ जी के पास बहुमत है तो कल फ्लोर टेस्ट करा दें भाई। आपने तो आप देखिए इसमें कई सारी टेक्निकल चीजें हैं। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, 6 मंत्री थे, मंत्रियों के हाथ पैर काटने थे, आपको एक मैसेज कन्वे करना था, आपने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष ने अध्यक्ष का राइट है कि वो जब चाहे तब इस्तीफा स्वीकार करे, नहीं करे, ये बिल्कुल अध्यक्ष का राइट है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं हो सकता। लेकिन इसमें राजनीति भी है। अध्यक्ष कौन? नर्मदा प्रसाद प्रजापति। नर्मदा प्रसाद प्रजापति कहाँ से आते हैं? कांग्रेस से आते हैं। दिग्विजय सिंह के रिज्यूम में वो मंत्री रहते हैं। सुरेश पचौरी खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो ठीक है अध्यक्ष के नाते, उन पर अपन लेकिन किंतु परंतु नहीं कर सकते। लेकिन आपने 6 लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और बाकी को छोड़ दिया, ये भी तो गलत है। पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं, वो आपके बारे में विचार करते हैं, ठीक है, विधानसभा में आप कुछ भी करते हो, लेकिन जब आप अध्यक्ष के पद पर हो जाते हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं होते। तमाम सारी चीज़ें हैं, उनको यहाँ टीवी पर डिस्कस करेंगे, समय जाया होगा। लेकिन सवाल यही है कि आप अगर सबके इस्तीफे स्वीकार कर लेते तो कमलनाथ सरकार तो वैसे ही हाशिए पे आ जाती। मध्य प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा इसको बता पाना अभी एक में ये ऊंट किस करवट बैठेगा, एक सवाल आपने किया था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया, वो ये था कि अब राज्यपाल क्या करेंगे। सवाल ये था, आपने कहा क्या मध्यवर्ती चुनाव होंगे, मुझे मध्यवर्ती चुनाव की आहट बहुत कम है। अगर हम 100% में बांटें तो 10-5% बनती है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं शेफाली जी, उसमें मुझे लगता है कि कमलनाथ को बहुमत साबित करना होता तो अभी पत्र का जवाब पत्र से पहुंच गया होता, कल सुबह तैयारी हो रही होती, बहुमत साबित होगा। हो सकता है रात भर में हो जाए, 5 मिनट का काम है, एक आदेश निकलेगा, सब विधायक यहीं हैं, पहुंच जाएंगे। अभी सब कोई किसी को वापस मानेसर ले जाना चाहता है, बेंगलोर वाले बेंगलोर है, कांग्रेसी भी अपने विधायकों का वापस सेफ कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये चलता रहेगा। लेकिन ये होता है कि कल सुबह 10:30 सदन आहूत होगा, हम बहुमत साबित करेंगे, लेकिन ऐसा भी आया नहीं है। अब राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल ने आपने कहा पूछा रिपोर्ट, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेज दी होगी केंद्र को, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी होगी। इसके बाद अगर कल बहुमत साबित नहीं करते तो एक ताकत उनके पास है कि अल्पमत की सरकार है, और अल्पमत की सरकार लगातार तबादले कर रही है, डिसीजन ले रही है, ये राइट नहीं होता। पहले बहुमत, अगर बहुमत नहीं है तो ऐसी सरकार को राज्यपाल बर्खास्त करवा सकते हैं। और सरकार बर्खास्त हुई तो फिर मध्यवर्ती चुनाव की वो जिसको चाहे उसको बुला सकते हैं कि आप बहुमत लेके आइए, आप सरकार बनाइए। वो शिवराज सिंह को निमंत्रण दे सकते हैं, वो बीजेपी को चिट्ठी भेज सकते हैं सीधे, उनके विधायक दल के नेता को भेज सकते हैं, वो उनका राइट है, वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए, ये राज्यपाल का अधिकार है। उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं कि उन्हें लगता है कि बहुमत नहीं है, उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। अब विकल्प जो हैं कमलनाथ के पास कम हो रहे हैं, कमलनाथ एक विकल्प और है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी खड़े हो जाएंगे, उस चीज़ों को टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो आप कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया रेत की तरह हाथ से फिसल गए, अब कांग्रेस सरकार और कमलनाथ के हाथ से कई सारी चीज़ें रेत की तरह फिसल रही हैं और उन्हें एहसास नहीं है। एक शेर है दुष्यंत का, मैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर समर्पित करना चाहता हूँ कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं और फिर भी आपको यकीन नहीं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सरकार की उठा पठक और किस करवट उठ बैठेगा, फिलहाल जो 2020 मैच की भी बात आई और जो गेंद है वो बीजेपी की पाले में साफ साफ नजर आ रही है। भंग हो सरकार, फ्लोर टेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा का पूरा गेम जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक,
दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।